हरियाणा रोडवेज का बेड़ा बढ़ाने की मुहिम के तहत 2026 तक अगले 4 सालों के अंदर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 5,000 नई बसों को शामिल करने की तैयारी है। 2026 तक हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 5,000 नई बसें जोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले 1,000 किलोमीटर स्कीम की बसें भी हरियाणा रोडवेज में शामिल होंगी और इसके बाद हरियाणा रोडवेज में मिनी बसें, लग्जरी बस और इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ ऑर्डिनरी बसें भी खरीदी जाएंगी। और इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम की 1,000 बसों को भी शामिल किया जाएगा। अब जल्द ही हरियाणा सरकार एक टेंडर जारी करने वाली है जिसमें कि 1,000 किलोमीटर स्कीम की बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाएगा और जो भी हरियाणा रोडवेज की नई सरकारी बसें खरीदी जाएंगी उनके चैसिस नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस खरीदी जाएगी। मतलब कि पहले जो सरकार चैसिस खरीदती थी उसके ऊपर HREC बॉडी बनाता था और उसके बाद ही हरियाणा रोडवेज में वो बस तैयार होकर पहुँचती थी, लेकिन अब सरकार कंपनी से सीधे पूरी की पूरी बस खरीदेगी। मतलब कि उसमें HREC से जो बॉडी बनवानी पड़ती थी वो नहीं बनवानी पड़ेगी, वो सीधी कंपनी से ही बनकर आएगी। हालांकि इससे हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC गुड़गांव को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अभी सरकार रोडवेज की बसें सीधे कंपनी से खरीदेगी और ये निर्णय सरकार ने इसलिए लिया है ताकि टेंडर व हाई पावर परचेज कमेटी में लाने जैसी लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके और कंप्लीट बस कंपनी से ही ली जाएगी। सरकार के अनुसार हरियाणा रोडवेज में जल्द ही 150 नई लग्जरी बसें, HVAC की बसें जिनका किराया सामान्य से लगभग 1.5 गुना होता है और 20 बसें वोल्वो की, इसके साथ ही 150 बसें इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, इसके साथ ही 1,000 नई बसें भी खरीदी जाएंगी। हालांकि सरकार ने जनता से बहुत बार वादे किए हैं कि हरियाणा रोडवेज में नई बसों को शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक हरियाणा रोडवेज में नई बसें अब तक नहीं आ पाई हैं। और आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि आखिरकार कब हरियाणा रोडवेज में नई बसें आ सकती है या फिर कब सरकार हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल कर सकती है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।